दोस्तों नमस्कार। द न्यूज लॉन्चर के इस विशेष कार्यक्रम में मैं रविकांत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों 28 तारीख को बिहार में नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी, 9वीं बार शपथ ली थी। आज 12 तारीख, आज उन्हें फ्लो टेस्ट पास करना था, पास भी हो गए हैं। आप एक तरह से कहें कि बिहार में पिछले एक महीने से जो पॉलिटिकल हंगामा, पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही थी, उसका आज पटाक्षेप हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार जा चुके हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, दो डिप्टी सीएम बन गए हैं। जाहिर तौर पर ये खेल नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर खेला है। ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार का फ्यूचर क्या है। नीतीश कुमार बिहार में पिछले 2 दशक से सत्ता के केंद्र में, लगभग 17 साल से, लेकिन उनकी राजनीतिक हैसियत धीरे धीरे कम हुई है। पिछले विधानसभा चुनाव में वो केवल 45 सीटें जीत पाए थे और उन्हें कमजोर करने के लिए खुद नरेंद्र मोदी ने बिसात बिछाई थी और उनके हनुमान बने थे चिराग पासवान। ये मोदी जी भी जानते हैं और नीतीश कुमार भी जानते हैं, फिर भी नीतीश कुमार ने पलटी मारी। क्या गणित है नीतीश कुमार का? कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली और पलटी मारते मारते नीतीश कुमार क्या अब सियासी ढंग से इतने कमजोर हो गए हैं कि उन्हें सामने आने वाली चुनौती नहीं दिखाई पड़ रही है? बीजेपी के साथ जाना कहीं उनके पूरे राजनीतिक करियर पर एक बड़ा सवालिया निशान ही नहीं खड़ा करेगा, बल्कि उनकी जमीन को कहीं बंजर ना बनाते। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि नीतीश कुमार ने पिछले एक साल में बिहार से एक ऐसा नैरेटिव खड़ा किया था जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन गया था। जाहिर तौर पर तब तेजस्वी उनके साथ थे, डिप्टी सीएम, और दोनों लोगों ने मिलकर के सोशल जस्टिस का एक नया एजेंडा शुरू किया था कास्ट सेंसस के जरिए। नरेंद्र मोदी से भी वो मिलते हैं, केंद्र ने सिरे से खारिज कर दिया था कास्ट सेंसस की उस मांग को, लेकिन तेजस्वी और नीतीश कुमार ने बिहार में कास्ट सेंसस को करा करके बता भी दिया। कास्ट सेंसस में जो आंकड़े हैं उनकी बात करना तो लाजमी है ही, लेकिन खास बात यह है कि कास्ट सेंसस के जरिए संसाधनों पर हिस्सेदारी और संसाधनों में कब्जादारी भी सामने आई। अपर कास्ट, उसकी तादाद कितनी है और उसके पास सरकारी नौकरियां कितनी हैं, संसाधन कितने हैं, जमीनें कितनी हैं, और ये आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि आज भी बिहार को सामाजिक न्याय की राजनीति की दरकार है। यानी दलितों और अति पिछड़ों के लिए खास करके अभी वहां और सरकारी स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर बड़े बुनियादी फैसले लेने की जरूरत थी, और ये आंकड़े इसीलिए दर्ज किए गए कि उनके जरिए अति पिछड़ा या महादलित, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट नीतीश कुमार ने सामने रखे कर्पूरी ठाकुर के फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हुए। अब जब कास्ट सेंसस हुआ तो उसमें अति पिछड़ा का जो अंक गणित है वो 36% तक पहुंच गया है, दलितों की कुल आबादी 19% तक, और इसके जरिए नीतीश कुमार ने इन आंकड़ों को सामने रखते हुए जो रिजर्वेशन की
लिमिट थी उसको बढ़ा करके 75% तक पहुंचा दिया AWS सहित। 65% वो लेकर के गए SC ST और OBC के रिजर्वेशन को। अब जब वो खुद भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए हैं, उनके इस एजेंडे का क्या होगा? क्या इस एजेंडे पर अब तेजस्वी यादव जो अपना हक जता रहे हैं, जो भी ये कह रहे हैं कि जो भी 7 लाख नौकरियां इस दरमियान हुई और वो उसके लिए तथ्य भी पेश कर रहे हैं कि 17 साल बनाम 17 महीने, तो चाहे वो 7 लाख नौकरियां हो, कास्ट सेंसस हो, इसे वो अपनी थाती बता रहे हैं, अपनी विरासत बता रहे हैं, अपना एजेंडा बता रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार को इसका फायदा नहीं मिलेगा? इसी उल्टा होने जा रहा है। और तेजस्वी जब उस पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं, तो ये जो अति पिछड़ा और महादलित है, वो जाहिर तौर पर गठबंधन के साथ, महागठबंधन के साथ खड़ा होगा। और ऐसे में जो 45 सीटें विधानसभा की थी नीतीश कुमार के पास, वो कितनी उनके पास होंगी आने वाले चुनाव में? और जो 17 सीटें उन्हें लोकसभा में मिली थी, उस पर वो कितना कामयाब? दोस्तों, सियासत में फ्लोर पर आपका टेस्ट नहीं होता है, असली टेस्ट जमीन पर होता है, जनता का होता है, जनता का निर्णय होता है, वो असली इम्तिहान होता है एक राजनेता के लिए। और अब ये वक्त ज्यादा नहीं है, आने वाले 2 से 3 महीने के भीतर पूरे देश में लोकसभा के चुनाव होंगे, बिहार में भी पेशबंदी होगी, और उस पेशबंदी में नीतीश कुमार को कहीं ये दाव इस बार उनकी जमीन को ही खत्म न कर दे, इस तरह की आशंकाएं दिखाई पड़ रही हैं। आंकड़ों से लेकर के नैरेटिव तक, राजनीतिक कद से लेकर के राजनीतिक छवि तक, नीतीश कुमार के पीछे कहीं एक ब्लैक शैडो के रूप में दिखाई पड़ रही है, यानी नीतीश कुमार के पूरे कद को छोटा करती। दोस्तों, राजनीति हो या बिजनेस, हालांकि आजकल राजनीति ही बिजनेस बन गई है, इसलिए मैं दोनों को सामने रख रहा हूं। विश्वसनीयता उसमें सबसे बड़ी चीज है, वो बात अलग है कि मोदी की अपनी ब्रांडिंग है जो झूठ और अविश्वसनीयता पर आधारित है, लेकिन नीतीश कुमार के पास कोई ऐसी मशीनरी नहीं है, कोई कारपोरेट तंत्र नहीं है, नीतीश कुमार के पीछे कोई अडानी नहीं खड़ा हुआ है, नीतीश कुमार के पीछे कोई भौंपू तंत्र नहीं है मीडिया का। ऐसे में नीतीश कुमार की जो बिहार की सियासत में उनकी अपनी छवि रही है, वो बेहद धूमिल पड़ गई। और जब वो चुनाव मैदान में जाएंगे, और जिसे नरेंद्र मोदी ने ट्रंप कार्ड के रूप में ये जो दाव खेला है, ये जो यूटर्न लिया है, ये सिर्फ नीतीश कुमार के लिए ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना नहीं है, बीजेपी के लिए भी कहीं नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राजनीति में इम्तिहान फ्लोर टेस्ट पर असली नहीं होता है, असली होता है जब आप चुनाव के मैदान में जाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं। और भले ही इस देश में लोग जनता के लिए कुछ भी कहते रहे, मतदाता के लिए कैसे भी शब्द का इस्तेमाल करते कि वो बेकाऊ है, वो बेवकूफ है, लेकिन जनता जनार्दन होती है, और जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, वो किसी भी राजनेता और दल के लिए विश्वसनीयता को सर्वोपरि रखते हैं। वो काम कम ज्यादा हो सकते हैं, नीतियां उसके पक्ष में या
न्यूट्रल हो सकते हैं, लेकिन एक नेता की विश्वसनीयता, एक राजनीतिक दल की विश्वसनीयता अगर खतरे में पड़ती है तो फिर जो मतदाता है वो उसकी तरफ निगाहें फेर लेता है। और यही वजह है कि जिस तरह की नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी के पिछले 10 साल के अगर आप काम को देखें, नीतियों को देखें, तो वो मोस्टली छल और छद्म पर आधारित हैं। लेकिन वो जो दरक रही विश्वसनीयता है, उसमें एक पैबंद लगाने के लिए हमेशा वो गोदी मीडिया खड़ा रहता है, वो छवियां निर्मित करता है, वो 3D इमेज पूरा, और लोगों के जेहन में राम और मोदी के बीच की जो छवि है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये इसलिए मिक्स करनी पड़ रही है क्योंकि मोदी की छवि बेहद अविश्वसनीय हो रही है। तो लोगों के दिमाग में ये फिट कर देना कि ये कद तो राम के बरक्स खड़ा हुआ है, तो उसकी सारी लफाजियों को, उसके सारे नकारात्मक कामों को, उसकी सारी अविश्वसनीयता को, जुमलों को लोग भूल गए। लेकिन नीतीश कुमार के पास कोई ऐसा तंत्र नहीं। नीतीश कुमार ने मांझी को जो बोला पार्लियामेंट के भीतर, मूर्ख तक कहा, और मांझी आते हैं महादलित समाज से। नीतीश कुमार ने जो परिवार नियोजन को लेकर के व्याख्या की, बीजेपी की एक महिला सांसद बाहर जाकर के रोते हुए बिलखते हुए कहती हैं कि कितनी अश्लील भाषा में उन्होंने बात की है, और वो बात जमीन तक गई है, तो क्या जो महिला वोटर है जो नीतीश कुमार के पाले में खड़ा था, जो मोदी के पाले में खड़ा हुआ है, ये नीतीश कुमार को आईना दिखाते हुए और किनारा नहीं कर लेगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो नीतीश कुमार की राजनीतिक सूझबूझ को इस बार कटघरे में खड़ा करते हैं, और ये इस तथ्य को और इस विश्लेषण को एक तरह से प्रेरित करते हैं, उसे प्रोत्साहन देते हैं कि नीतीश कुमार का ये फैसला उन्हें अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा दिखाई पड़ रहा है। हालांकि ज्यादा वक्त नहीं है, जिसको हम लोग एक मुहावरे में, हालांकि इस तरह के मुहावरों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन मुहावरे में बात जल्दी समझ में आती है। मुहावरों में कई बार कुछ असम्मान की भाषा भी होती है, जैसे जब हम जो मुहावरा इस्तेमाल कर रहे हैं कि नाई के बाल आगे आते हैं, तो ज्यादा वक्त है नहीं, और नीतीश कुमार को अब फ्लोर पर टेस्ट नहीं देना है, जनता के बीच में जाकर के इम्तहान देना है, और ये इम्तहान कितना उनके लिए कठिन होने जा रहा है, कितना चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है, ये बिहार के राजनीति में दिखाई पड़ने लगा है। बहुत शुक्रिया, आप देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर।